दोस्तों अब सरकार अग्निवीर का नौकरी दे रही है, अब तो अग्निवीरे का नौकरी मिलेगा। तो इसी पर शायरी है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, नौकरी मांगोगे तो अग्निवीर देंगे, नौकरी मांगोगे तो अग्निवीर देंगे, और पेंशन की बात करोगे, पेंशन की बात करोगे तो चीर देंगे, और हमारे पेंशन पर नजर डालोगे, हमारे पेंशन पर नजर डालोगे तो थूर देंगे, नेताओं के पेंशन पर नजर डालोगे तो थूर देंगे, थूर देंगे, थूर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अगर लोग अग्निवीर का नौकरी लगे चाहे और परीक्षा हो, सबके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम लोग एक नया ट्रिक देखेंगे जिसे सवाल अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए देखा जाए कवक या फफूंदी के बारे में। कवक या फफूंदी जिसको इंग्लिश में फंगी कहते हैं, यह एक प्रकार का जीव है। यह मृत जीवी या परजीवी हो सकता है। इसमें पनहरित क्लोरोफिल नहीं होता, यानी कि अपना भोजन अपना स्वयं नहीं बना सकता है। कवकों के अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। यह परीक्षा में हमेशा आता रहता है। कवक विज्ञान को, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है माइकोलॉजी कहते हैं। पाव रोटी में खमीर या ईस्ट नामक कवक होता है। कवकों से होने वाले रोगों को याद कर दिया जाए, एक सिंपल ट्रिक है, गंजा दादा खाए फुलकी, गंजा दादा खाए फुलकी। तो चलिए देखा जाए इसका अर्थ क्या होता है। इस ट्रिक में गंजा का अर्थ है गंजापन, गंजा का अर्थ है गंजापन। दाद, दादा में एक द का अर्थ है दामा और एक दा का अर्थ है दाद। खाए में खा का अर्थ है खाज और ए से है एथलीट फ्रूट, और फुलकी से फफूंदी, यानी फफूंदी से इतने रोग होते हैं, गंजापन, दामा, दाद, खाज, एथलीट फ्रूट। इस गंजा, गंजा में सिर के बाल झड़ने लगते हैं, दमा में फेफड़ा काम करना बंद करने लगता है, दाद में त्वचा पर लाल रंग के गोले उग जाते हैं, खाज में त्वचा पर खुजली होने लगता है, और एथलीट फ्रूट में पैर की त्वचा मोटी और फटना पर रंग कर देती है। तो दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग एक नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।